जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे क्लियर कर दीजिए कि मेरी आवाज क्लियर है आप लोगों जी अब्दुल्ला भाई, आवाज आ रही है? को। चलो जबरदस्त। अच्छा, वालेकुम सलाम। ये सेशन मैंने इसलिए रखा है कि आप लोगों में से काफी ज्यादा लोग जो हैं उनके अकाउंट्स अप्रूव नहीं हो रहे, और जिसकी वजह से ये इशू आ रहा है कि हम लोगों के साथ के अंदर बहुत ज्यादा लोग के अकाउंट्स वेरीफाई नहीं हो रहे। तो मैं चाह रहा था कि मैं उन लोगों को एक ही दफा बताऊं, ताकि ग्रुप में रोज ही एक किस्म के मैसेज देखे कि अकाउंट्स वेरीफाई नहीं है, अकाउंट वेरीफाई नहीं है, और कोई टॉपिक ही नहीं है, और अगर और कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका रिस्पॉन्स प्रॉपरली मिलता नहीं है। तो मैं चाह रहा था इसको बस इसी वीक के अंदर वाइंड अप करते हैं, अकाउंट्स के बारे में एक ही दफा इन्फॉर्मेशन सारी दें, या आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन हैं वो एक ही दफा क्लियर हो जाए और उसके साथ साथ रिस्पॉन्स मिले, और आप लोगों के क्वेश्चंस। अच्छा, आप लोग मुझसे जो क्वेश्चंस आप लोग के हैं अभी क्लियर करें, फिर जो भी आप लोगों के माइंड में क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग एनीथिंग जो कि मुझसे हो सका तो मैं डेफिनेटली आप लोग को आंसर करूंगा उस चीज के। आज भी और कल भी बहुत ज्यादा लोग डिफरेंट क्वेश्चंस भी कर रहे थे अदर देन अकाउंट क्रिएशन। तो जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं कि क्लाइंटेज के हवाले से या कोई भी टॉपिक है अमेजोन के बारे में, खासकर प्राइवेट लेवल के बारे में, तो आप लोग मुझसे वन बाय वन करके पूछें, और इस सेशन को मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब के ऊपर, ताकि जो लोग नहीं देख सके वो लोग देख सकें। तो आप अपना क्वेश्चन शुरू करें, अपने माइक खोलें वन बाय वन, और जो कैमरा खोल सकते हैं वो डेफिनेटली कैमरा खोले क्वेश्चन करते हैं। सर, किसी का माइक कनेक्ट नहीं है, क्या इशू था? जस्ट सेकंड, लास्ट में कुछ लोगों का माइक कनेक्ट नहीं है, काइंडली उन्हें गाइड कर दें। माइक क्यों नहीं कनेक्ट आप लोगों का जी? हेलो। आप लोगों के माइक खुल नहीं रही या कोई और इशू है? लेफ्ट साइड के ऊपर बटन आता है माइक का, कैमरे के साथ आप माइक ऑन कर लें अपना। हेलो जी, आई कैन हियर यू। जी, अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। सर। प्रॉब्लम ये है कि अमेजोन VA का हमने कोर्स पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ अच्छा, प्रॉब्लम सर होती है क्लाइंट के साथ। क्लाइंट के साथ कैसे कन्वर्सेशन किया जाए, क्या बात किया जाए, इसमें थोड़ी सी हेरिटेशन है। दूसरी प्रॉब्लम है कि सर हैंड ऑन एक्सपीरियंस नहीं हो पाई हम लोग की। इस पे ग्रुप पे बात भी हुई है। ठीक है। अच्छा, आप लोग पहले मुझे अकाउंट क्रिएशन को एक दफा खत्म कर लेते हैं। इतने ज्यादा लोग ग्रुप में बता रहे होते हैं कि अकाउंट वेरीफाई नहीं, और अभी एक भी नहीं बता रहा। अगर आप लोग अकाउंट क्रिएशन मुझे फिलहाल के लिए सॉर्ट आउट कर देते हैं, फिर मैं अगले टॉपिक्स के ऊपर जाता हूँ। और अभी 1 घंटे की जाए, 1.25 घंटे की जाए, जितने मर्जी घंटे की जाए, आप लोग अपने क्वेश्चन के हवाले से सेटिस्फाई जब तक नहीं हो जाते मेरे तरफ। पहले आप मुझसे अकाउंट क्रिएशन के हवाले से जो क्वेश्चन आप लोग के माइंड में है वो क्लियर कर लें, फिर आगे चलते हैं हम लोग। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला भाई, कैसे हैं? जी, वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा अब्दुल्ला भाई, लास्ट टाइम भी आपसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट हुआ था, देन आपसे डिस्कस कर रहा था। मैंने ना UK LTD बेस पर अकाउंट जनरेट किया था, ठीक है। टू टाइम्स मैं कर चुका हूँ उनको, कंपनी फॉर्मेशन सारी अपना डॉक्यूमेंट सबमिट किए मैंने, वीडियो कॉल वेरिफिकेशन भी हो गई, वो पेंडिंग में ले गए, उन्होंने कहा जी हम आपको बताते हैं। उसके बाद हमने, जैसे आपने बताया था कि बैंक का लेटर के ऊपर आपने बनवाना है जिसपे बैंक का एड्रेस हो और आपका एड्रेस वेरीफाई हो, वो सारा जी प्रोसीजर अपलोड किया, उसके बावजूद भी उन्होंने अकाउंट को एक्टिवेट नहीं किया, उन्होंने अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट कर दिया, अकाउंट नहीं चलाया उन्होंने। ठीक तो इसकी क्या वजह है और इसको भी किस तरीके से ओपन कर सकते हैं? सेकेंडली, इसमें ना वॉइस का बड़ा इशू आ रहा है, वॉइस अकाउंट बार बार डीएक्टिवेट हो जाता है। अब उसके लिए पायोनियर बिजनेस अकाउंट बनाया है, वो भी अभी तक अंडर रिव्यू में है, वो भी ओपन नहीं हो रहा। तो काइंडली इस बारे में ज़रा गाइड कीजिएगा। सेम केस मुझसे नुमान भी 3-4 दिन पहले मिले थे, और शाम का टाइम था, तो उनको मैंने सेम यही स्ट्रेटेजी बोली थी कि आपने यही करना है। देखिए, वो लोग भी ऑब्वियसली, वो लोग, उनके पास एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं, वो आपको नहीं निकाल कर दे सकते, और अगर देंगे भी तो वो उसके जो उनके पास रूल्स हैं उसके खिलाफ चीज नहीं करेंगे। लेकिन ये चीज अपना एड्रेस है, जब एड्रेस ही आपका है तो उस चीज के अंदर उनकी कौन सी पॉलिसी डिस्टर्ब हो रही है, आपको थोड़ा सा आर्ग्यू करना पड़ता है, थोड़ा सा करके टैकल करके आप उनके साथ डिस्कस करें, डिस्कस करके वो आपको निकाल देंगे, 2-3 दिन में निकाल कर दे देते हैं। जिस दिन आपके पास आ जाए आपने उस टाइम पे अपलोड कर देना, और बेस्ट टाइम अपलोडिंग का क्या है, आपने 12 से 1 या 2 के दरमियान, दोपहर, आपने वर्किंग डे के अंदर इस टाइम पे अपलोड कर देना, पाकिस्तान टाइम के अकॉर्डिंग 12 से 1-2 के दरमियान अपलोड कर देना। अब आपका जो इशू था,
मुझे जहां तक लग रहा है कि आपका इशू यही हो सकता है, क्योंकि अभी तक आई एम वेरी श्योर मेरे पास व्हाट्सएप पे कोई ऐसा मैसेज अभी तक नहीं आया जिसके अंदर मैं देखूं कि तीनों जगहों के ऊपर एड्रेस सेम लिखा हुआ है। माइनर माइनर सी मिस्टेक्स होती है, अक्सर लोगों को उस चीज का पता नहीं चलता। एक मेंबर शायद यहाँ पर होंगे, उनका एक मिस्टेक थी, बहाउद्दीन जकरिया या बहाउद्दीन ऐसी लफ्ज लिखा हुआ था, तो उसके स्पेलिंग अमेज़न को कुछ और दिए हुए थे, स्टेटमेंट में कुछ और थे, बोला कि दो दफा रिजेक्ट हो चुका है। जब मैंने स्टेटमेंट देखी तो एक स्पेलिंग, एक वर्ड का सिर्फ मिस्टेक था, और एक मेंबर था जिनकी स्टेटमेंट के ऊपर अमेज़न का पूरा वर्ड लिखा हुआ था लेकिन एन कटा हुआ था। तो वो थोड़ी छोटी छोटी चीजें एक्सेप्ट हो जाती हैं। देखें 80% चांस है कि आप पकड़े जाएंगे अगर आपकी माइनर से भी मिस्टेक हुई, और हर चीज के अंदर एक्सेप्शंस होती हैं। आप कहीं ना कहीं बच भी सकते हैं, कहीं ना कहीं आप ई स्टेटमेंट डालें आप वो भी अपलोड एक्सेप्ट हो जाती है, लेकिन हर केस के अंदर ये चीज नहीं होती। जो चीज उन्होंने मेंशन की हुई है उस चीज को अगर आप लेकर चलें तो आपके अकाउंट रिजेक्ट नहीं होंगे। अब आप बताएं कि और किसी का सेम इशू या इससे मिलता जुलता किसी का कोई और इशू आया तो आप लोग मुझसे वो डिस्कस करें। अच्छा एक क्वेश्चन रह गया था, वॉइस क्यों रिजेक्ट हो रहा है। अच्छा अगर आपका वॉइस रिजेक्ट हो रहा है अकाउंट क्रिएशन के दौरान एक तो वो एक ईमेल आपको करता है वॉइस का अकाउंट जब आप बनाते हैं कि आप हमें इसका रिस्पांस कर दें कि आप वॉइस चाहते क्यों, क्योंकि बिजनेस अकाउंट आप मांग रहे इंडिविजुअल बनवाएंगे तो उसकी एक फीस नहीं होती लेकिन एक ट्रांजेक्शन होती है उसकी 3000 पाकिस्तानी 3500-4000 इस तरीके से इसकी ट्रांजेक्शन होती है जो कि आप बाद में निकलवा सकते हैं। बट जब आपका बिजनेस अकाउंट बनता है तो वो पहले होता था 18 pounds का, 6 महीने हो गए इस बात को 18 pounds का हम बनाते थे। रिसेंटली पिछले 3-4-5 महीनों से वो 45 pounds का पहुंचा हुआ, यानी ट्रिप 3 गुना ज्यादा हो चुका है उसके अकाउंट क्रिएशन की जो फी है और वो रिफंड नहीं होती। अगर आप उस टाइम पे अकाउंट बनाते हैं और बनाने के बाद आपको 1-2 दिन के बाद एक मेल आती है कि आप हमें वेरीफाई कर दें कि आपकी कोई अपनी वेबसाइट है, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। आप बनाना क्यों चाहते हैं वेबसाइट, सॉरी अपना वॉइस अकाउंट क्यों क्रिएट करना चाहते हैं, वो भी बिजनेस, तो आप उसकी डिटेल दे दें कि जी मैं इन इन कैटेगरीज के ऊपर ऑनलाइन सेलिंग करना चाहता हूँ, एंड दैट्स इट। आपसे कैटेगरी पूछ लेंगे कि आप किस कैटेगरी में सेलिंग करना चाहते हैं, ठीक है। जस्ट वो एक सेफ साइड पे रखने के लिए, आपका आपके एक डाटा महफूज रखने के लिए वो आपसे इतने क्वेश्चंस पूछते हैं। अगर आप उसके रिप्लाई नहीं करते तो साथ ही उसी ईमेल के अंदर लिखा होता है कि अगर हमें 6 दिन, 7 दिन या 10 दिन के अंदर रिप्लाई नहीं आया तो हम आपका अकाउंट खुद बहुत डीएक्टिवेट कर देंगे। अच्छा इसके अंदर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, वाइज मर्करी ने, आप लोगों को मर्करी बैंक का पता होगा, यूएसए में चलता था, किसी ने नाम सुना है मर्करी बैंक का? यस मैंने सुना हुआ है। अच्छा अभी अकाउंट्स बनते हैं मर्करी पे कि नहीं बनते? अच्छा मर्करी से पाकिस्तान हो गए सारे ब्लैकलिस्ट कर दिया था। मैं आपको बताता हूँ ब्लैकलिस्ट क्यों किया जाता है पाकिस्तान को या इस तरीके से और क्या क्या रीजन हैं। और देखें बड़ा एक अफसरदगी से बोलना पड़ता है कि पाकिस्तान की बहुत ज्यादा चीजें जब हम लोग काफी जगहों पे अप्लाई करते हैं तो एज अ पाकिस्तानी हमारी चीजें रिजेक्ट हो रही होती हैं और उसकी बहुत ज्यादा रीजन हैं, हम सबको पता है क्या क्या रीजन हो सकती हैं। मर्करी ने हमें बंद इसलिए किया था क्योंकि मोस्टली आप लोगों को पता ही होगा अकाउंट क्रिएशन तक जो पहुंचे हैं कि जो प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है वो हर बंदे के हाथ में होता है। आप इजीली जाके, मैं आपको अपनी कंपनी का नाम, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या कुछ भी आपको हल्का फुल्का सा बता दूं, आप जाएंगे गवर्नमेंट की फाइलिंग हिस्ट्री पे जाके आप मेरी डिटेल्स निकाल सकते हैं, ठीक है। उस प्रोसीजर का सबको पता है कि वो कैसे निकलती है। आप मेरी डिटेल्स निकाल के अपना वाइज अकाउंट बनाते हैं, मर्करी अकाउंट बनाते हैं, आपके पास फेक स्क्रीनशॉट से फेक जिससे आप कह लें बिल्स होते हैं, आप उनके थ्रू जाते हैं, आपका अकाउंट अप्रूव हो जाता है और आप उसको यूज करना शुरू करते हैं। फिर आप यही लोग जो अकाउंट इस तरीके से बना रहे होते हैं यही बाद में रोते हैं कि हमारे इतने पैसे मर्करी में थे और मर्करी हमें अब पैसे वापस नहीं कर रहा, अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिए। तो बहुत ज्यादा रीजन है, सैडली यही कहना पड़ता है कि अच्छे लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं वो इन्हीं वजहों की वजह से पकड़े जाते हैं, उनके अकाउंट्स पर आगे जाके बनते नहीं है। खैर एनीवेज आप उनके साथ वॉइस की एक अच्छी बात मैं आप लोगों को बताता हूँ। अच्छी बात ये कि आप उनको ऑस्ट्रेलियन टाइम जोन के अकॉर्डिंगली, वाइज ऑस्ट्रेलिया के बेसिकली हर मुल्क के अंदर है लेकिन हमारा जो पाकिस्तान का मेजर चलता है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ चलता है। ऑस्ट्रेलिया हमसे 5 घंटे आगे, आपने पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंगली 5 घंटे देख लीजिएगा कितना बनता है। आपने सुबह उनके वर्किंग आवर 5 बजे से पहले आपका 12 बजेंगे, आपने 12 बजे से पहले पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंगली उन्हें जो भी डिस्कशन करनी है आपने उनसे कॉल पे करनी है। उनके नंबर्स आपको फेसबुक पे मिल जाएंगे, सॉरी गूगल पे मिल जाएंगे, आपने उनके नंबर को नोट डाउन करना है ऑस्ट्रेलियन नंबर को और आपने उसके ऊपर कॉल करके जो भी इशू है वो आपका फौरन सॉर्ट आउट कर देते होते हैं। एक चीज मैं आपको यहाँ मेंशन करता हूँ, वॉइस का जिक्र हो रहा है फिर अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अक्सर क्या होता है अमेज़न वॉइस की स्टेटमेंट रिजेक्ट कर देता है, किसी के साथ हुआ है सर? बिजनेस स्टेटमेंट है अक्सर अमेज़न रिजेक्ट कर देता होता है। अच्छा अभी तक किसी के साथ नहीं हो, चले शुक्र है।
आप जब अपनी बिजनेस स्टेटमेंट अमेज़न को देते हैं और साथ में अपनी पाकिस्तानी स्टेटमेंट देते हैं, अमूमन हमारे साथ क्या होता है कि हमारी पाकिस्तानी स्टेटमेंट रिजेक्ट होती है। बाजू का क्या होता है रेयर केसेस के अंदर कि आप लोगों की बिजनेस स्टेटमेंट भी रिजेक्ट हो जाती होती है, उसके एक्स वाई ज़ेड बहुत ज्यादा रीजन है। पहली तो मैंने काफी दफा बताई कि आप फाइल नाम चेंज करके, हमेशा फाइल का नेम चेंज करके अपलोड किया करें, कहीं पर भी अमेज़न पे करना है तो उसमें बीच में जो सिंबल्स होते हैं बीच में ऐड ना हो। अच्छा, मेन चीज ये होती है कि जब आपको वॉइस जो है उसकी स्टेटमेंट रिजेक्ट होती है तो आप लोगों ने वॉइस को कॉल करनी है, कॉल करना है या ईमेल करनी है आपने उन लोगों को, और कॉल और ईमेल करने के बाद आपने उनसे कहना है कि हमें एक पेपर के ऊपर, जिस तरीके से पाकिस्तानी स्टेटमेंट निकलती है पेपर के ऊपर, मुझे मेरी स्टेटमेंट निकाल दें और आपका सिग्नेचर, आपका सिग्नेचर और आपका रिमोट को रख के और हैंड्स लॉक करके बैठे ताकि आपको वो अच्छा। हाँ, मैं कह रहा था कि आपकी जो पाकिस्तानी स्टेटमेंट है मूवमेंट रिजेक्ट होती है तो वॉइस को आपने कॉल करनी और सेम इसी तरीके से बोलना है कि हमें A4 साइज पेपर के ऊपर अपनी स्टेटमेंट निकाल कर दे दें और उसको स्कैन करके हमें दे दें। वो आपको हार्डली 2 दिन मैक्सिमम, अगर वर्किंग डे ना हो तो आपको 3-4 दिन लग जाते, नहीं तो बहुत ज्यादा केसेस में 1 ही दिन के अंदर वो आपको स्टेटमेंट आ जाती होती है। वो स्टेटमेंट निकालें, वो पिक्चर्ड स्टेटमेंट होगी, यानी कि उन्होंने पेपर पे निकाल के आपको स्कैन करके सेंड की भी होगी, आप वो अपलोड करें क्योंकि उस पर उनके सिग्नेचर हुए होंगे। इस तरीके से अगर आप लोग आगे जाते हैं तो आपको फिर वो जो रिजेक्शन है बिजनेस एड्रेस की वो आपको नहीं आएगी। अब बताएं आप लोगों से अगला क्वेश्चन किसका और क्या है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा क्वेश्चन ये, जब हम एड्रेस लिखते हैं अमेज़न का अकाउंट क्रिएट करते हुए तो अमेज़न फिर आगे से पूछता है कि रिकमेंडेड जो अमेज़न करता है एक एड्रेस और एक हमने लिखा होता है, तो उसमें से हमें किस एड्रेस को चूज करना है, जो हमने लिखा है या अमेज़न जो ये रिकमेंड करता है। आपने हमेशा रिकमेंडेड वाले पे जाना है। अच्छा, वो आपसे पाकिस्तानी एड्रेस पे कभी रिकमेंडेशन नहीं पूछेगा, वो आपसे हमेशा आपके बिजनेस एड्रेस पे पूछेगा, और जो वो रिकमेंड कर रहा होगा आपका सिर्फ सीक्वेंस रिकमेंड करता है वो, ठीक है, आपने उस सीक्वेंस के साथ जाना है। बाकी अक्सर ऐसे होता है कि लोकेलिटी आ जाती है या कोई और एरिया आ जाता है, हमें एग्जैक्ट नहीं पता होता। उसके ऊपर मैं रिसेंटली एक वीडियो बना दूंगा इंशाल्लाह, आज कल के अंदर बनानी, 3 दिन पहले थी लेकिन 1-2 दिन के अंदर बना दूंगा कि एड्रेस प्रॉपरली मेंशन कैसे करना है, किस जगह पे क्या वर्ड डालना है, गूगल पे किस तरह से टाइप करना है और देखने के हमारी सिटी कौन सी, क्योंकि हम यूके बेस्ड भी नहीं है ना कहीं के फॉरेन बेस्ड नहीं है हम लोग, तो हमें पता हो कि क्या उनका प्रोविंस है, क्या उनकी स्टेट है, तो वो चेक कैसे करना है और उसके अकॉर्डिंगली डालना कैसे। तो अमेजोन अगर आपको कहते हैं कि सजेस्टेड एड्रेस ये है, आपने खुद नहीं करना, सजेस्टेड एड्रेस के ऊपर आप लोग चले जाते हैं, सिंपल ये। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने ना मेंटेनेंस सर्टिफिकेट दिया था, एड्रेस वगैरह सब कुछ वैसे दिया, जिप कोड भी दिया, टोटली सेम था, लेकिन उन्होंने मेरा रेजिडेंशियल में दोनों चीजें रिजेक्ट कर दी, पासपोर्ट भी और ये भी। अब मैं बैंक स्टेटमेंट जो ओरिजिनल होती है वो स्टेटमेंट डलवा सकता हूं क्या? अच्छा, पासपोर्ट भी आपका रिजेक्ट हुआ है? मेरा पासपोर्ट पहले एक्सेप्ट हो गया था, जब पहले मेंटेनेंस सर्टिफिकेट मैंने नहीं दिया था, दोबारा मैंने मेंटेनेंस सर्टिफिकेट जिस तरह आपकी वीडियो देखी थी मैंने वैसे ही निकलवाया था प्रिंट, वो दिया, उसके बाद उन्होंने पासपोर्ट भी रिजेक्ट कर दिया और ये भी रिजेक्ट कर दिया, बिजनेस एड्रेस एक्सेप्ट हो गया था मेरा। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये चले आप लोगों के लिए भी नई चीज होगी, मैंने एक्सपीरियंस की थी पिछले दिनों और मेरे ऑस्ट्रेलिया के क्लाइंट थे उनके साथ एक्सपीरियंस किया था मैंने। जब पासपोर्ट रिजेक्ट होता है तो आपकी बैंक स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाती है। जब पासपोर्ट रिजेक्ट होता है, पासपोर्ट क्यों रिजेक्ट होता है, उसकी 2-3 ही रीजंस हैं, आप उन 2-3 रीजंस पे चेक कीजिएगा। पासपोर्ट रिजेक्ट होने वाली चीज नहीं है, लेकिन अगर रिजेक्ट होता है तो 2-3 चीजें ये हैं। जिन लोगों के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है वो लोग चेक कीजिएगा कि उनका पासपोर्ट नंबर जो है बिल्कुल एंड पे ऊपर, जहाँ पे वो एक धागा सा बंधा हुआ होता है उस फाइल के लिए, उस कॉपी के लिए, वहां पर बिल्कुल एंड पे करके लिखा होता है, और वहां पर एक शीट चढ़ी हुई होती है, यानी पूरे पेज के ऊपर एक शीट होती है जो एक, अगर आप पिक्चर लें तो एक शान सी पैदा करती है, और वो जो पासपोर्ट नंबर या जो एक वर्ड लिखा हुआ है पासपोर्ट नंबर और जो वर्ड लिखा हुआ है पासपोर्ट PASPORT ये वाला वर्ड और जो उसके नीचे नंबर है, ये क्लियर नहीं है, आप देखेंगे भी तो आपको बड़ा ब्लर लगेगा, और आप उसको स्कैन करवाते बिना, आप किसी भी प्रिंटर के पास जाएं और बोलें कि स्कैन कर दो, तो उनके पास 600 से ऊपर कोई रेंज होगी नहीं कि वो आपको स्कैन करके दें। तो जब आपका पासपोर्ट रिजेक्ट होता है ऑटोमेटिकली आपकी बैंक स्टेटमेंट रिजेक्ट होना शुरू हो जाती है। सो फोकस कि आपका पासपोर्ट रिजेक्ट ना हो। एक तो चीज ये है कि जब एक दफा रिजेक्शन आई और आपको पता चल गया कि पासपोर्ट के एजेस मैंने नहीं काटे हुए, प्राइमरी रीजन क्या है कि पासपोर्ट के एजेस कटे हुए होते हैं या हल्की सी, क्योंकि उन्होंने देखनी होती है, अगर मेरे पास कोई चीज है तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, लेट से ये देखिएगा नजर आ रहा है पासपोर्ट के ऊपर जिस एंडिंग, ये जो पेजेस नजर आ रहे होते हैं, ये देखें इस तरीके से पेजेस नजर आ रहे होते हैं,
कॉर्नर्स नजर आ रहे थे। अगर आप ये चीज कट करते हैं तो सिर्फ लगता है कि पासपोर्ट की बैक साइड नहीं है या कुछ है नहीं इस तरीके का पेज, लेकिन अगर आप पासपोर्ट को खोल के स्कैन करते हैं तो साइड्स पे जो एजेस नजर आ रहे होते हैं या जो एक फुल बुक नजर आ रही थी कि हाँ इसके पीछे बुकलेट बनी हुई है, वो चीज अगर वो देखें तो वो वेरीफाई कर देते होते हैं। आपने इस चीज का ख्याल करना है, बाजू अक्सर ये केस नहीं आता लेकिन अगेन रेयर केसेस में आ जाते हैं कि आपका पासपोर्ट भी रिजेक्ट हो जाए, तो उसको स्कैन अच्छे तरीके से करवा लें और उसके एजेस मत काटिएगा, इस चीज के ऊपर जाए पासपोर्ट रिजेक्ट नहीं होगा। लेकिन उसमें कुछ चीजें लिखी हुई हो उसके बाद डालिएगा। बैंक स्टेटमेंट अगर आपको लेटर हेड पैड में मिलता है, अगर उस पर मिलता है फिर डालें, ट्राई करें एक्सेप्ट होता है कि नहीं होता, हो भी जाएगा। नहीं सर, लेटर हेड पैड लेटर हेड पैड का मतलब ये है कि आपका ऊपर बैंक लोगो लगा हुआ हो, सबसे नीचे बॉटम के ऊपर एक ही पेज के ऊपर आपका एड्रेस लिखा हुआ, सॉरी बैंक का एड्रेस लिखा हुआ, राइट साइड के ऊपर डेट लिखी हो कि किस दिन आपने स्टेटमेंट इनसे निकलवाई है, तीन स्टेटमेंट्स हैं आपकी, लेट से तीन ट्रांजेक्शन है, चार हैं, डजंट इवन मैटर क्या है, आपका जो भी एड्रेस प्रॉपरली मेंशन हो विद द पोस्टल कोड और वही सीक्वेंस में आपने अमेज़न को दिया हुआ हो ऑलरेडी, अगर आपके पास ये सब चीजें मौजूद है तो आप जाएं, रिजेक्ट नहीं होगा। अच्छा मैं एक और चीज बता दूं कि यूके के अंदर आपको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ क्वार्टर फोर के अंदर मसले आ रहे हैं, तो ये पूरे साल से जो लोग अकाउंट्स बना रहे हैं, आप लोगों ने शायद अभी अकाउंट्स बनाना शुरू किया तो आपको पता चले, जो पुराने भी बना रहे हैं आप उनसे पूछिएगा कि एक दफा नहीं तीन तीन चार चार दफा उनको बेचारों को मेहनत करने के बाद अकाउंट्स अप्रूव हुए हैं, तो ये Q4 की वजह से या फिर क्योंकि मिथ बन चुकी है। यहाँ पर कुछ लोग हैं जिन्होंने मुझे बताया था कि Q4 के अंदर मसले आते हैं, यहाँ पर ऐसे कोई मसले नहीं आते, सिर्फ Q4 के अंदर ये छोटे से डिफरेंस हुए। मैं आपको Q4 का डिफरेंस समझाता हूँ। Q4 कहते किसे हैं, क्वार्टर फोर को कहते हैं, जो साल के आखिरी तीन महीने होते हैं उनको Q4 कहते होते हैं। जो लोग होलसेल का काम करते हैं ये उनके लिए इंपॉर्टेंट ज्यादा है, जो लोग होलसेल से ब्रांड अप्रूवल लेना चाहते हैं, लेट से Q4 के अंदर मसला मेजर क्या आता है, मिल जाता होता है आपको अप्रूवल। मेजर मसला क्या है कि आपको जो बड़े ब्रांड्स हैं वो आपको इतनी जल्दी अप्रूवल नहीं देते, इतनी जल्दी वैसे भी नहीं देते, लेकिन Q4 में वो आपको थोड़ा सा स्पीड उनकी हाई हो जाती है। उसकी रीजन क्या है कि वो चाहते हैं कि जो हमारे पहले के कस्टमर्स हैं हम उनको सारा का सारा स्टॉक दे दें, क्योंकि दिसंबर के अंदर नवंबर के अंदर कभी ब्लैक फ्राइडे आ रहा होता है, कभी क्रिसमस आ रहा होता है, कभी छोटे मोटे इवेंट्स आ रहे होते हैं, तो आपकी 1000 इन्वेंट्री एक महीने में चले जाए कहीं पता नहीं चलता किधर चली गई है, एकदम से खत्म हो जाती है। और सेकंड चीज ये होती है कि अमेज़न आपको एक्सेप्ट नहीं करता इतनी जल्दी इन्वेंट्री। मैंने जब भी शिपमेंट की अगर आप कॉलम में जाके देखेंगे तो वहां पर आपको पता चलता है कि अमेज़न हमारी इन्वेंट्री एज अ फर्स्ट, अगर हमारा न्यू अकाउंट है तो एज अ फर्स्ट सेलर हमें कितनी इन्वेंट्री एक्सेप्ट कर रहा है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी इन्वेंट्री को भेजते हैं। फर्क जो आता है Q4 में क्या आता है कि अमेज़न इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता। अगर आपने 1000 पीसेस बनवाए हुए वो कहता है कि पेएल के अंदर मैं अगर आपको बताऊं तो कहेगा कि नहीं हम लोग 700 एक्सेप्ट करें, 600 एक्सेप्ट करें, तो बाकी आप कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी पर रखवा दें या बनवाएं 600-700, वो आप पहले देख के चेक कर लीजिएगा। सेकंड चीज ये है कि होलसेल के अंदर आपको जितने भी स्पेशली जो ट्वाइस की कैटेगरी में जल्दी अप्रूवल मिल जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर आई डोंट नो उसके अंदर जल्दी मिल जाते हैं होलसेल के अप्रूवल जितने भी होते हैं, लेकिन बाकी कैटेगरीज के अंदर आपको नहीं मिल रहे होते, और जब तक आपको वो अकाउंट्स देंगे नहीं, जितने भी ब्रांड्स हैं वो आपको अपने अकाउंट्स देंगे नहीं, तो आप उसके साथ अपना आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि होलसेल का काम Q4 में रुक जाता है, बट होलसेल के अंदर अगर अप्रूवल नहीं मिलता तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत फर्क आएगा। आप 10 ब्रांड्स कॉन्टेक्ट करते हो, 4 आपको अप्रूवल देते हैं, उन 4 के अंदर से आप प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स फाइंड करते हो, उसका इम्पैक्ट आएगा कि प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स तो मिल जाएंगे आपको, लेकिन आपका वही बात है कि आपको एक रिस्ट्रिक्शन यह है कि अमेज़न आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा इतनी जल्दी कि आप कितनी इन्वेंट्री दे रहे हैं कितनी नहीं दे रहे। और दूसरी बात कि जब आप 10 को कांटेक्ट कर रहे हैं और 3-4 दे रहे हैं, तो अगर आप आम दिनों में करें Q1 में Q2 में, तो आपको 10 में से करेंगे तो शायद 6-8-10 का पूरे का अप्रूवल मिल ही जाए, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी। बाकी साइनअप के अंदर कि Q4 आ चुके हैं तो हम साइन अप करेंगे तो अकाउंट रिजेक्ट हो जाएगा, बिकॉज अमेज़न Q4 में एक्सेप्ट नहीं करता न्यू सेलर्स को, तो ये मिलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन ये था मेरा कि हम आपकी वीडियोस देख के अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं क्या? हाँ डेफिनेटली कर सकते हैं आप लोग, बट वीडियो देखने के बाद आपने अकाउंट साइन अप जब अमेज़न सेलर सेंटर साइन अप करेंगे तो डॉक्यूमेंटेशंस आपने अपने पास एक्सेप्ट कर एलटीडी वगैरह की बात कर रहा हूं जी, एलटीडी वगैरह वॉइस वगैरह हां उसमें कोई इशू नहीं है, वो आप साइन अप करें, क्योंकि यहां पे सर हर बंदा अपनी चार्जेस ले रहा है 70,000-80,000 डिफरेंट। ऑब्वियसली चार्जेस लेना, देखिए चार्जेस लेना इज नॉट रॉन्ग, अगर आप सर्विस किसी से लेते हैं तो वो चार्ज लेना इज नॉट रॉन्ग। मैं खुद सर्विस प्रोवाइडर हूँ, मैं खुद सर्विस देता हूँ, अगर मुझसे कोई कहेगा आपसे ही काम करवाना डेफिनेटली मैं उसके चार्ज लूंगा, चार्जेस गलत नहीं है, अगर आपके आप काम कर सकते हैं डू इट योरसेल्फ। आप एस्टीमेट बता दें कि कितनी में हमारा अकाउंट क्रिएट होता है अगर हम खुद से बनाएं तो? यार देखें अगर आप खुद से बनाएंगे तो मैं ड्रॉप शिपिंग के लिए अकाउंट्स के लिए मैं कभी महंगा एड्रेस प्रेफर नहीं करता,
सस्ते एड्रेस अगर आपने लेने हैं तो आपको मिल जाएंगे और आइकन ऑफिस से कहीं से भी मिल जाएंगे, आप उनसे एलटीडी ना बनवाएं, आप उनसे सिर्फ एड्रेस परचेस करें। बहुत ज्यादा वेबसाइट से मैंने अपनी यूट्यूब के ऊपर पोस्ट भी की थी, वेबसाइट्स के नाम लिख के, इन वेबसाइट्स आपको सस्ते एड्रेस मिल जाएंगे, आप वहां से लें। एलटीडी आपकी 12 पाउंड की बनती है, वाइज अकाउंट आपका 45 पाउंड का बनता है, फोन नंबर एक आप लेंगे तो हार्डली 15 से 20 डॉलर का वो आ जाएगा, और उसके अलावा इसे क्या रह जाता है, एड्रेस आपका मुख्तलिफ रेट्स हैं, एंड पे आपका एसएलए सेंट्रल रह जाता है जो कि 31 पाउंड्स का है यूके में और 40 डॉलर का यूएसए के अंदर। सिंपल ब्रेकडाउन इसका ये, अगर खुद कर सकते हैं तो आप खुद करें। मीन एस्टिमेटेड 100 पाउंड्स में अकाउंट क्रिएट हो जाता है, आप कह सकते हैं, इससे भी कह सकते हैं। और किसी का अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला भाई आपने ये सेशन रखा। अच्छा अब्दुल्ला भाई, मेरी आपसे ना पहले व्हाट्सएप पे बात हो चुकी है कि मैंने अकाउंट 3 माह पहले क्रिएट किया था अमेज़ोन का, लेकिन मैंने रेसिडेंशियल एड्रेस ना वो भी मैंने यूके का डाल दिया था। पहले तो उसने मेरी वॉइस की स्टेटमेंट पे ना एक्सेप्ट कर लिया था, और 3 माह मैंने पहले FBA किया है और सही सेल हुई है। अब मुझे 2 दिन पहले उसकी दोबारा मेल आई है कि मुझे प्रूफ ऑफ एड्रेस दें, रेजिडेंशियल एड्रेस दें, और उसके बाद आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन दें और पासपोर्ट अपलोड करें। उसके बाद मैंने आपसे बात की थी, आपने कहा था कि बिल बाहर से मंगवा लें, उसके बाद सजदा से एडिट करके अपलोड कर लें। लेकिन अब मैं आपसे ये मशवरा ले रहा हूँ कि अगर मैं एड्रेस ही चेंज कर लूँ, पाकिस्तानी बना लूँ फिर। अच्छा आप पूरी बात भी बोला करें कि मैंने आपको कहा था अपने ऑन पे कीजिएगा बिकॉज यू आर स्टक दिस टाइम, ठीक है जी। एडिटिंग या टेंपरिंग में प्रेफर नहीं करता, बट आपका केस ऐसा है कि आपके पास यूटिलिटी बिल्स नहीं है और आपने आई डोंट नो कि अमेज़न एक्सेप्ट आपको उस टाइम पे कैसे किया था, तो क्या आपके जी मैं वही कह रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं कि मैं पाकिस्तानी एड्रेस चेंज कर लेता हूं, उसके बाद इधर से मैदान की सबमिट करवा लेता हूं। आप करें अपनी एलटीडी के अंदर एड्रेस चेंज करें फिर आप अपना सबसे पहले, क्योंकि उन्होंने जो आपसे प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन मांगा उसके अंदर आपके दोनों एड्रेस आए हुए होंगे, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी आया होगा, मेमोरेंडम का डॉक्यूमेंट भी होगा, तो आपने सबसे पहले अपना एड्रेस चेंज करना है, ठीक है। सेकंड चीज आपने ये करनी है कि आपने आपने अमेज़न अकाउंट के अंदर जाके अपने एड्रेस की चेंजिंग करनी है कि मैं अपना रेजिडेंशियल एड्रेस चेंज करना चाहता हूँ, वो आप करें। थर्ड नंबर के ऊपर आपने फिर पाकिस्तानी स्टेटमेंट क्यों निकालनी है वो करें, और ये एक लंबा प्रोसीजर है, और अगर इससे नहीं गुजर सकते और अपने ऑन पे करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए अगेन के रिजेक्शन भी हो सकती है, एक्सेप्टेंस भी हो सकती है, बट अगर आप अपने ऑन पे करें, मैंने आपको वेबसाइट भी बता दी थी कहाँ से प्रोसेसेस होते हैं कहाँ से नहीं होते हैं, अगर आपका यूटिलिटी बिल हो जाता है तो आप उसके ऊपर और ट्राई करके देख लें कि एक्सेप्ट होता है कि नहीं होता, अगर आपको पहले कोई रिजेक्शन नहीं है ये भी फिर ट्राई कर लें, लास्ट लीस्ट मोमेंट से तो उस पर ट्राई वगैरह की हरकत मत कीजिएगा। अब्दुल्ला भाई मेरा एलटीडी भी है ना, जो रजिस्ट्रेशन है वो जो एक कंट्री वो पाकिस्तान ही, उसके बाद दूसरा एड्रेस मेरा आइकन ऑफिस का, खाली मैंने सेलर सेंट्रल पे जाके ना वो रेजिडेंशियल एड्रेस चेंज करना। आपने जब अकाउंट क्रिएशन किया था यूएसए के थ्रू किया था इंडिविजुअल के बाद, और बाद में आपने उसको सोचा यूके, नहीं नहीं यूके में ही किया, तो आपने उस टाइम पे प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं दिया था? प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन उसने मांगा ही नहीं, मैंने खाली वाइस की स्टेटमेंट सबमिट करवाई है, उसने मुझे अलाउ कर दिया। चलो इसीलिए 3 महीने बाद उसने पकड़ा है। अगर आपके एलटीडी के अंदर रेजिडेंशियल एड्रेस आपका पाकिस्तानी है तो फिर उसको बेशक मत चेंज करवाएं, उसी सीक्वेंस के अंदर आप अमेज़न पे एड्रेस दे दें और उसी सीक्वेंस के अंदर आप बैंक की स्टेटमेंट निकाल के चला दें आगे। चलें ठीक है, और उसके बाद अपलोड प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन में ना वो मांग रहे आपने, मैंने आपकी यूट्यूब पे वीडियो देखी थी, आप कह रहे थे 10 पेजेस का जो है ना वो सबमिट करवाएं, और उसके बाद वो मुझे कह रहा है कि 23 जून के बाद की डॉक्यूमेंट शुड हैव बीन इशू ऑन या आफ्टर 23 जून, लेकिन मेरी वो जो 10 पेजेस है उस पर 17 आ रही है, 17 मई को मैंने कंप्लीट रजिस्टर्ड की थी, उसके बाद मैंने एड्रेस में ना थोड़ी सी चेंजिंग की थी, उसके बाद मैंने दोबारा गूगल में चेक किया कि अपलोड रजिस्ट्रेशन एक्सट्रैक्ट न्यू किस तरह निकलेगी, उसके बाद मैंने वो निकाली है, वो 4 पेजेस की आई है, उसके अंदर वो जो मैंने एड्रेस चेंज किया था हल्का सा वो सारा लिखा हुआ आ रहा, वो सबमिट करवा दूं। तो आपके एंड का क्वेश्चन क्या, मुझे आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, क्या लिखा हुआ है, क्या चेंज करवाया और हो भी गया और नहीं भी हुआ, ये है क्या, मुझे थोड़ा सा क्लियर। अच्छा अच्छा, प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन अमेज़न मुझे कह रहा है कि 23 जून वो जो 10 पेजेस होते हैं जी 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 हाँ जी वो 23 जून या उससे उसके बाद की जमा करवाओ, लेकिन मैंने कंपनी क्रिएट की थी 17 मई को, इसलिए वो जो मेरे 10 पेजेस के डॉक्यूमेंट्स हैं उस पे 17 मई मेंशन है, लेकिन अमेज़न कह रहा है 23 जून या उसके बाद का प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन मुझे दो।
जून की बात कर रहे हो, रजिस्ट्रेशन तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? अमेज़न कह रहे हैं कि मेल वगैरह आई है। हाँ जी ये ना वो जब जाएं वो कहना चाह रहे बेसिकली कि आप अपनी कंपनी फॉर्मेशन का बताएं कि आपकी कंपनी फॉर्मेड इस टाइम के बाद हुई हो, अमेज़न आपसे ये कह रहे हैं? नहीं नहीं, मैंने ना एड्रेस चेंज किया था उसके बाद 6 जून कंपनी का, इस वजह से वो कह रहा है कि 23 जून या उसके बाद की सबमिट करवाएं। उसके बाद मैंने गूगल किया, वो जो लिखा हुआ आ रहा है, उसके बाद मैंने दोबारा कंपनी हाउस में जाके वो डिटेल निकाल ली, 4 पेजेस की आई। ठीक है, वो किस डेट की है? वो जिस डेट को निकालेंगे उसी डेट की आ जाएगी। अच्छा मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि एक लड़का है मुनीर या मुबीन नाम है उसका, मैं आपको चीज बताता हूँ, प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन पे जब आप डॉक्यूमेंट चेंज करते हैं ना, अपना एड्रेस चेंज करते हैं या आप उसका डायरेक्टर चेंज करते हैं, तो आपके पुराने जो 10 पेजेस का डॉक्यूमेंट होता है उसके अंदर वो आपको नहीं वो चेंजिंग करके देगा, वो आपके एक और डॉक्यूमेंट दे देगा, ऐसा है ना? जी जी इसी तरह, इसी तरह एक और डॉक्यूमेंट मिलता है जिसके ऊपर एड्रेसिंग आपकी चेंज हुई होती है, वो आपने एज अ प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन देना होता है। आपने वो सारा जी मैंने वही डाउनलोड किया है, वो 4 पेजेस का आया है, उसके अंदर एड्रेस चेंज है, न्यू एड्रेस से जो मैंने चेंज किया, वही मैं कह रहा हूँ, आपने जो एड्रेस न्यू चेंज किया उसी के साथ आपने जाना है ना, चेंज इसीलिए किया कि मैंने जाना उसके साथ अमेज़न को देने, आप उसके साथ जी जी उसके साथ जाएं जी जी। और उसके बाद एक और क्वेश्चन है, मुझे मेरी अभी ना इन्वेंट्री पड़ी हुई है, मेरी लिस्टिंग एक्टिव है, उसके बाद मैं अगर कोई और न्यू लिस्टिंग बनाना चाहूँ उसकी भी मुझे परमिशन दे रहा है, मुझे मेरा लास्ट इन्वेंट्री पड़ी है, मैं वो मंगवा के अपने दोस्त के अकाउंट में अगर भेज दूँ अब? यार मुझे आपकी कुछ समझ नहीं आ रही, अब क्वेश्चन का क्या कर रहे हो इस टाइम पे, आप क्या कर रहे हो? मैं कह रहा हूँ मेरी इन्वेंट्री अभी भी अमेज़न वेयर हाउस में पड़ी हुई, उसके बाद मेरी लिस्टिंग वो जो है एक्टिव है और मेरी सेल चल रही है, और लेकिन अब वो मेरे से मांग रहा है प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन है, पे आउट नहीं आ रहा, वो उसने रोका हुआ, अकाउंट खुला हुआ है सिर्फ वेरिफिकेशन के प्रोसेस के अंदर है, पे आउट भी नहीं आ रहा, इन्वेंटरी सेल भी हो रही है। हाँ जी इन्वेंटरी, और मुझे नई लिस्टिंग करने की परमिशन भी दे रहा है। That's strange case. आप एक और आप उनके साथ केस खोल के बोले आपकी इन्वेंटरी वापस चाहिए या आपको चाहिए कि आपको इस टाइम के ऊपर? नहीं मैं कह रहा हूं कि अगर आपका मेन मसला इस टाइम पे वेरिफिकेशन के, आपकी वंस वेरिफिकेशन सॉल्व आउट हो जाएगी, आपका लिस्टिंग का कोई इशू नहीं है, इन्वेंटरी उनके पास 10 पड़ी हो, 20 पड़ी हो, 150 पड़ी हो, डजंट इवन मैटर कि आपका इन्वेंटरी का मसला है, ये लिस्टिंग आपकी इनएक्टिव की भी लिस्टिंग डेफिनेटली जी जी ब्रदर, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मेरा खुदा ना खास्ता रजिस्ट्रेशन में फंस जाए, अकाउंट मेरा अगर बंद हो जाए, तो मेरी इन्वेंटरी जाया ना हो। अच्छा नहीं, उसकी इन्वेंटरी जाया नहीं होगी, आप उनसे पे आउट वो करवा सकते हैं, अपनी लिक्विडेट करवा सकते हैं अपनी इन्वेंटरी को आप लोग, और अगर अकाउंट डीएक्टिवेट भी हो जाए तो उसके अंदर भी ये ऑप्शन होता है कि आप उनसे कॉल करके उनको बताते हैं मेरा एसक्यूआई नंबर ये है, मेरा ये है, मेरा जो ब्रांड कंपनी नेम है वो मेरा ये है, तो आप मुझे इसको बाहर कर दें। आज मेरे पास शायद एक केस आया हुआ था, मैं शाम को बात करता हूँ उनके साथ, वो कॉल पे आपको सब कुछ डिटेल बता दें, तो आप उनसे मंगवा सकते हैं, मंगवा के फिर आपने 3PL में रखवानी है या होलसेलर्स को देनी है, वो आपको कर सकते हैं। अकाउंट डीएक्टिवेट अगर नहीं है, मुझे क्लियर करें आपकी वेरिफिकेशन में तो आप हैं, आपकी लिस्टिंग पेंडिंग में है या एक्टिव है? लिस्टिंग मेरी एक्टिव है, रोज मुझे ऑर्डर आ रहे हैं। आ रहे हो, 150 पीसेज रह गए हैं? नहीं मेरे इस टाइम 300 पीस हैं। 300 पीसेज रह गए हैं, ठीक है। अगर खुदा ने खास्ता ऐसा कोई इशू आता है तो आप उस तरीके से लिक्विडेट करवा सकते हैं अपनी इन्वेंट्री को, लेकिन फर्स्ट प्रोसेस आप अपना यही करेंगे, अपने अकाउंट को वेरीफाई करवाएं, ठीक है? अगर अब्दुल्ला भाई अगर ये मेरा इशू आप सॉल्व कर दें और आप जितना मैं आपको पे कर दूंगा अच्छा जी सर एक लास्ट क्वेश्चन था। जी जी मैं एक मिनट लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा आप लोग ना एक सेकंड, यार एक सेकंड दे मुझे, जस्ट अ सेकंड। ओके अच्छा
मेरी आवाज क्लियर आ रही है? असल में लास्ट बार हो गया था, सो इस लिंक पे मुझे भेजा है, दोबारा लिंक भेजा मैंने आप लोगों को। अच्छा यार, आप लोग क्वेश्चंस ना सारे करें, ठीक है, लेकिन दो दो क्वेश्चंस करें, लेकिन शॉर्ट शॉर्ट करें, ताकि मैं सबको करूँ बाद में ग्रुप के अंदर, फिर ये किसी का सवाल रह ना जाए बाद में ग्रुप में, फिर वो मैसेज। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन ये था कि मैंने ना एक प्रोडक्ट ऐड किया, वो वहाँ पे स्टेटस एक्टिव आ रहा है, जब मैं अकाउंट इन्फो में जाता हूँ वहाँ पे इनएक्टिव लिस्टिंग आ रहा है, तो उसकी क्या वजह? आपने लास्ट प्रोडक्ट ऐड किया है, लिस्टिंग एक्टिव है, लेकिन लिस्टिंग, जब सर मैंने लिस्टिंग की प्रोडक्ट, वहाँ पे स्टेटस एक्टिव आ रहा है, जब मैं अकाउंट इन्फो में जाके देखता हूँ तो वहाँ पे एक स्टेटस जो उसका है इनएक्टिव आ रहा है, तो वहाँ पे एक इशू आ रहा होगा। आप ऊपर पेंडिंग वैलिडेशन पे चेक करें कि क्या चीज उन्होंने मांगी है, क्या चीज मांगी आपको उस टाइम के ऊपर उन्होंने, आप वो डॉक्यूमेंट अपलोड करने, कोई भी कोई ना कोई इशू आ रहा होगा आपके, इसलिए आपकी लिस्टिंग जो पेंडिंग पेंडिंग लिस्टिंग में आती है, वैलिडेशन जो उनका पेंडिंग होता है उसमें आपको नजर आ जाएगा जो भी डॉक्यूमेंट आपने सबमिट करवाना होगा। ओके सर, थैंक यू, जज़ाकअल्लाह। अच्छा, और किसी का क्वेश्चन हो अकाउंट के हवाले से करें, फिर आगे अगले टॉपिक पे जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अब्दुल्ला भाई, मैं आपको कनेक्ट हुआ हूं, उसके बाद फिर एनी डेस्क पे आप मेरा 5-10 मिनट मसला देख लें। अच्छा चलिए, मैं इसके ऊपर आपसे बात करता हूं, इसको बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। तो यार सारे अपना माइक ऑफ कर दें, जो क्वेश्चन पूछने लगे सिर्फ ऑन करें अपना माइक। जी जी बोले, कौन बोल रहे हैं? मेरा क्वेश्चन ये था कि मैंने यूके का कोई ड्रेस बाय नहीं किया, वहाँ पे मेरे घर में चाचू तो उनका ड्रेस मैंने बिजनेस एड्रेस, आपका माइक की आवाज क्लियर नहीं है और बहुत स्लो है, आप थोड़ा सा तेज बोलें, माइक को क्लिप करके बोलें। जी जी, आप आ रही है आवाज? जी जी, अब क्लियर है काफी बेहतर। कि मैंने यूके में अभी यूके में भी कोई एड्रेस नहीं बाय किया, वहां पे जो उनका एड्रेस मैंने यूज किया है एज अ बिजनेस एड्रेस, तो मेरी एलटीडी भी, मैंने आपकी वीडियोस देखी, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बन गई, ट्रांसफर वाइज का अकाउंट करना बन गया, लेकिन पूछना ये था मैं अमेज़न का अकाउंट क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तो सी एलटीडी है ना, उस पर इंग्लैंड कंट्री ट्रांसफर वाइज को जब मैंने अपना पोस्टल कोड दिया तो उन्होंने यूनाइटेड किंगडम लिख दिया, तो पूछना ये था कि अमेज़न पे मैं एड्रेस पुट करूँगा तो यूनाइटेड किंगडम। अच्छा, आपका मुझे जो क्वेश्चन समझ है, आप ये कह रहे हैं कि मैंने जब वाइस का अकाउंट क्रिएट किया, सॉरी एलटीडी अपनी क्रिएट की थी, तो वहां पर मेरा इंग्लैंड ऐड था, जबकि मेरी वाइस की स्टेटमेंट पे इंग्लैंड ऐड नहीं है, तो अमेज़न को आप काइंडली जो नहीं क्वेश्चन कर रहा, काइंडली माइक ऑफ करो काइंडली। मैं आपको वो देता हूँ, एडमिन देता हूँ, आप अलाउ भी कर दें जो आ रहे हैं, और माइक कर लीजिएगा, मैं आपको देता हूँ, एक सेकंड एडमिन देता हूँ आपको। भी आपके पास से होस्ट आप है, तो आप मैनेज कर लीजिए, ठीक है? ऐसा आपका क्वेश्चन मुझे समझ आया कि इंग्लैंड आपका एलटीडी के ऊपर ऐड है, ये वर्ड जो इंग्लैंड का, जबकि आपके वाइस स्टेटमेंट के अंदर ऐड नहीं है, तो आप ये चाह रहे हैं कि अमेज़न को दूं या मैं ना दूं, ऐसा कह रहे हैं? स्टेटमेंट मेरा यूनाइटेड किंगडम लिखा हुआ है इंग्लैंड की जगह ना। जी यूनाइटेड, लेकिन जो यूनाइटेड किंगडम है उसका कोई मसला नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली आप जब आपने वो नहीं देना, उसके रीजन बताता हूँ, जब आप अमेज़न के ऊपर साइन अप कर रहे होंगे तो वो आपकी लोकेशन पूछेगा कि आपकी बिजनेस लोकेशन कौन सी, और आपने वो सिलेक्ट करनी है थ्रू ड्रॉप डाउन मेन्यू, वहाँ पे आपने खुद मैन्युअली ऐड नहीं करना है, वर्ल्ड यूनाइटेड किंगडम पे आपने ऐड नहीं करना, वो आपको ड्रॉप डाउन में दे देगा, जिस तरह पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा कुछ भी दे देगा, तो आपने वहां से वहीं पे यूनाइटेड किंगडम सेलेक्ट करना है, और मैन्युअली जब आप जाकर पुट कर रहे होंगे वहां पर आपने यूके सेलेक्ट नहीं करना। बात समझ रही मेरी आपको? जी ठीक है, बिल्कुल। और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था के वहाँ लोकेलिटी का एक ऑप्शन है, लोकेलिटी में हम क्या लिखें? लोकेलिटी के अंदर आप अपना एड्रेस पूरा देखें। देखिए मैं आपको दो चीजें बताता हूँ। अक्सर वाइस की स्टेटमेंट के अंदर ना कोई चीज मिस्ड होती है, लेकिन मैंने जिस तरह अभी लास्ट जो अभी हमने रिकॉर्डिंग की थी उसमें बताया था मैंने कि आपकी बिजनेस डिटेल्स में हमेशा वेरीफाई हो जाएंगे, आप फंसेंगे तो सिर्फ रेजिडेंशियल के अंदर, बहुत रेयर केस कि आपका बिजनेस एड्रेस वेरीफाई ना हो। वाइस की एक्स्ट्रा स्टेटमेंट्स के अंदर मैंने खुद नोट किया कि लोकेलिटी में लेट्स से मेरी डॉर्सेट है या कोई और है,
तो वहां पर मुझे टेंशन नहीं होती। तो वो जब एड्रेस मैं गूगल पे कॉपी करके रखता हूँ, आप मेरी इंशाल्लाह कल तक एक वीडियो आ जाएगी, मैं पिछले दो दिन से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ बट थोड़े से इश्यूज ऐसे हैं कि मैं बना नहीं पाता। उसके अंदर मैं प्रॉपरली बताऊंगा कि लोकेलिटी आपने कैसे फाइंड करनी है, सिटी कैसे फाइंड करनी है, क्योंकि यूके के एड्रेसेस के अंदर और जो भी चीज आ रही है, हाउस नंबर, हाउस नंबर तो आप लोगों को पता होगा कि एड्रेस लाइन वन में क्या डालना है, टू में कुछ नहीं डालना, अगर कोई थोड़ा लंबा एड्रेस है तो आप आधार कार्ड के टू में डाल दें। लोकेलिटी का पोर्शन आता है, उसके बाद सिटी का पोर्शन आता है, टाउन का पोर्शन आता है, तो आपने वो गूगल से चेक कैसे करनी है कि ये चीज आइदर जो है इस्लामाबाद जो है ये है क्या, आइदर लाहौर जो है वो है क्या, आइदर लाहौर के अंदर कोई छोटा सा कोई एरिया तो वो आगे से क्या, तो वो आपको मैं चेक करना मैं बता दूंगा, उसका कोई इशू नहीं। ठीक है, चीज समझ आ गई है, बस लोकेलिटी के ऑप्शन में ना मुझे हाउस नंबर भी हर चीज मेरे पास है वो मैं नहीं, लोकेलिटी के अंदर हाउस नंबर नहीं डालना आपने, लोकेलिटी में हाउस नंबर डालना, आप एक काम करें कर लिए, लेकिन लोकेलिटी में ना दरअसल सिटी का नाम है हडर्सफील्ड वेस्ट यॉर्कशायर, तो शायद ना वो स्टेटमेंट पे नहीं शो, सिर्फ हडर्सफील्ड सिटी और टाउन शो हो रहा है, तो मैं हडर्सफील्ड मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, लोकेलिटी के अंदर जब आपको माइक म्यूट करेंगे जरा सारे, तो मैं आपको बताता हूँ अमेजोन के अंदर जब आप साइन अप करते हैं तो आपको जब ये सारे पोर्शंस आते हैं प्रोविंस के, लोकेलिटी के, सम हाउस की चीजें आती हैं, तो आप पहले तो वो पूरे का पूरा एड्रेस कॉपी करके गूगल पे डालें, वो एड्रेस आपको निकल आएगा, आपने जिस वेबसाइट से लिया उस एड्रेस, उस वेबसाइट की डोमेन भी आपको नजर आ जाएगी, आपने उसमें से स्मॉल स्मॉल वर्ड्स उठाने, अब मुझे आपका ब्रदर एड्रेस नहीं पता, आपने स्मॉल वर्ड उठाने, ठीक है, पूरे एड्रेस के अंदर से आपने लेट से डॉर्सेट उठा लिया, पुली उठा लिया, आपने वर्ड उठाया गूगल पे, उसी वर्ड को एग्जैक्ट कॉपी करके डाला और चेक किया कि ये है क्या, आइदर टाउन है, सिटी है, लोकेलिटी है क्या, वो वर्ड आपको बता देगा कि मैं लोकेलिटी हूँ, आपने उसको उठा के लोकेलिटी में डाल दें। और बाजू का क्या होते हैं, मैं आपको अच्छी समझाता हूँ, आपका पूरा का पूरा एड्रेस एक ही जगह प्यार होता है लेकिन स्टिल कोई ना कोई पोर्शन खाली होता है, आपने उस टाइम पे जाकर देखना है अपनी वॉइस की स्टेटमेंट को, अगर वहां पर कोई एक्स्ट्रा वर्ड एड है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपने चले जाना है अपने एल टी डी के ऊपर, क्योंकि मैंने जिस तरह वॉइस का बताया कि वॉइस की जो स्टेटमेंट है अक्सर वो कुछ ना कुछ चीज खा जाते होते हैं, अक्सर वो चीज कोई ना कोई डालते नहीं, लेकिन बिजनेस एड्रेस की वेरिफिकेशन में आपको इंशाल्लाह कोई मसला नहीं आएगा, अगर कोई चीज मिस्ड है आपने जाने चेक कर लेने अपनी एलटीडी के ऊपर और ये सब प्रोसीजर वहां सॉर्ट आउट हो जाएंगे। मैं आपको छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ, शिपमेंट प्लान जब हम बनाते हैं ना तो हमें चाइना एड्रेस देता है अपना, कि आपने फ्रेट फॉरवर्डर हमें एड्रेस देता है अपना कि हम बीएल के अंदर कि आपकी इन्वेंट्री यहाँ से इस वेयर हाउस जा रही है, ठीक है, वहां पर भी चाइना जो एड्रेस देते हैं बाजू का जो उनके कार्ड्स पे जो उनके डिजिटल कार्ड्स होते हैं कुछ एड्रेस मेंशन होते हैं वो आप जब पुट इन करते हैं अमेज़न को तो आपको समझ नहीं आती कौन सा पोर्शन किस जगह पे, और बाजू का तुमने जिस तरीके से आप लोकेलिटी का जिक्र करें वहां पे शायद कोई प्रोविंस का वर्ड आ जाए या सिटी का वर्ड आ जाए, टाउन का आ जाए, कोई भी वर्ड आ जाए, तो आपको नहीं समझ आती वो क्या है और ना ही उसके एड्रेस में प्रॉपरली मेंशन होता है। तो जब आप वही एड्रेस पूरा गूगल करते हैं और गूगल करके लेट से आपको पता चलता है कि यार डॉर्सेट जो है, डॉर्सेट जो यूके का लेट से कोई है लोकेलिटी है या समहो है, डॉर्सेट के अंदर कोई एरिया आता है जो आपके पास खाली बार्स होंगे अमेज़न के अंदर, आप चेक करेंगे डॉर्सेट के अंदर कोई एरिया आता है तो अब अगर आप देखेंगे कि आगे वाला एरिया आता है तो आप उसको ड्रॉप डाउन पे चेक करेंगे कि आइदर ये आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, और अगर आ रहा है उसको उठा के आप डालते हैं। लेकिन बेस्ट सोल्यूशन इसका ये कि आप अपनी वॉइस की स्टेटमेंट को मैच करें, अगर उसमें से कोई चीज रिमेनिंग है, अगर कोई रिमेनिंग है तो फिर आप अपनी एल जी डी पेपर से जाकर मैच करें अपना एड्रेस, लेकिन अमूमन जो होता है वॉइस की स्टेटमेंट के साथ आपका काम चल जाता है, ठीक है, क्योंकि जो प्रूफ ऑफ एड्रेस है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट ही है वॉइस की। लोकेलिटी का पोर्शन खाली छोड़े बगैर अगर आप आगे जा सकते हैं जाएं, और अगर कहते हैं कि नहीं इसको फिलअप करें तो फिर आप अपने एड्रेस को जरा वेरीफाई करें। वाइस का मैंने अकाउंट बनाया उससे मैं क्रेडिट कार्ड से ना अपने अमाउंट उसमें डिपॉजिट कर रहा हूँ, तो मुझे ना 294 का ना डॉलर पड़ रहा है जबकि डॉलर इस वक्त 70 का, तो बेस्ट क्या है कि मुझे डॉलर का रेट पाउंड का रेट कम पड़े उसमें वाइज में? ये आपको रेट इतना ही पड़ेगा, वाइज की कटिंग फी ही इतनी है, वो आपको पड़ेगा इतना। अगर आप और मेरा करीबी जानने वाला है, अगर आपका कोई दोस्त अजीज जानने वाला है तो आप उसके साथ डील कर सकते हैं, किसी रेफरेंस के बंदे के साथ, किसी इंटरनेट के बंदे के साथ नहीं, कि मैं आपको इतने पीकेआर सेंड करता हूं, आप मुझे गूगल रेट से 1-2 रुपए ऊपर कर दें, बेशक 3 रुपए ऊपर कर दें, तो आप मुझे उस हिसाब से पाउंड्स दे दें, आप उनके साथ डील कर सकते हैं, अदरवाइज ऑनलाइन किसी से मत कीजिएगा। जी बिल्कुल, लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है, Amazon वीडियो कॉल पे क्वेश्चन होता है, चलें पूछें, हमारा वेब कैम जरूरी है या हम लैपटॉप के कैमरे से अटेंड कर सकते हैं वीडियो कॉल? नहीं नहीं, आप लैपटॉप के कैमरे से करें, कोई इशू नहीं। और किसी के क्वेश्चंस हैं जो प्रोमिनेंट मोटे मोटे क्वेश्चंस हैं अकाउंट क्रिएशन के हवाले से,
वो मुझसे पूछे, फिर और भी टॉपिक्स हैं जो भी आपके माइंड में है, मैं चाह रहा हूँ कि अकाउंट क्रिएशन एक जगह खत्म हो जाए उसके बाद अगले टॉपिक पे हम लोग चले जाए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। मैंने आपसे अपनी स्टेटमेंट और पासपोर्ट शेयर किया था, तो मैंने आपको बताया कि वो रिजेक्ट हो रहा है बार बार। मैंने ईमेल चेंज करके भी किया, आपने कहा था कि उसमें पोस्टल कोड नहीं है उसकी वजह से, तो क्या यही रीजन है मैं उसको दोबारा से बनवाऊं स्टेटमेंट को? यस ऑब्वियसली पोस्टल कोड मेंशन होना चाहिए, ऑब्वियसली यस। यही वजह है और कोई वजह नहीं, मतलब कि आईडी कार्ड वो पासपोर्ट वगैरह सही है जो स्कैन हुआ है? रिजेक्ट किया हुआ है आपका पासपोर्ट? रिजेक्ट हुआ है या स्टेटमेंट रिजेक्ट हुई है? बस कोई स्पेसिफाई नहीं किया है उन लोगों ने कि क्या रिजेक्ट किया, बस मेल कर दिया कि हम वेरीफाई नहीं कर रहे हैं, आप डॉक्यूमेंट्स अपने दोबारा से अपलोड करें दोनों। अच्छा, दोनों दोबारा से अपलोड करें, आप अपने दोबारा पासपोर्ट को रीस्कैन करवाएं, अच्छे से स्कैन करवाएं, मोबाइल में खोल कर देखें आदर वो सही आपको डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो सब चीजें चेक करने के बाद पासपोर्ट भी आप डालें। अगेन एजेस मत कटे हुए उस पासपोर्ट के, अच्छे तरीके से स्कैन पासपोर्ट की पीडीएफ फाइल कीजिएगा, कभी भी जेपीजी जेपैक जेपैक किसी भी फॉर्म में नहीं जाना, पीडीएफ के साथ जाना है आप, वो अपलोड करें, प्लस अपने बैंक स्टेटमेंट के अंदर पोस्टल कोड मेंशन करवाएं, लेकिन एड्रेस पे फोकस कीजिएगा, सिर्फ पोस्टल कोड पे मत कीजिएगा, एग्जैक्ट एड्रेस आपका मेंशन हो उसके साथ आपने जाना है, ठीक है? जी थैंक यू। तो और किसी का क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, बुशरा बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। मैंने आपके साथ इशू अपना डिस्कस किया था जिन्होंने 2 times इस्लामाबाद ऐड किया हुआ था, और अब मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि इन केस अगर मेरी अपील रिजेक्ट हो जाती है यूके में और मेरा अकाउंट नहीं इस्टेब्लिश हो पाता है, और तो अब मैं मूव करना चाहूँ अगर अपना यूएसए की तरफ, और मैं अपना यूएसए का सेलर सेंट्रल बनाऊँ, तो क्या मैं अपनी यूके की एलटीडी और मैं अपना पासपोर्ट यूज कर सकती हूँ, और यूके का एड्रेस और यूके का फोन नंबर? मैं दो चीजें इसमें बताता हूँ जी। डेफिनेटली आप अपनी एलटीडी के ऊपर अपने यूएस के अकाउंट को साइन अप कर सकते हैं, वो उसमें कोई इशू नहीं है, वो कर सकते हैं, बट मुझे इसे क्लियर कीजिएगा कि अकाउंट आपका डैशबोर्ड तक पहुंचा या इनिशियल स्टेप से वेरीफाई हुआ ही नहीं, यानी जो अपलोडिंग के दौरान आपका वहां से रिजेक्ट हो गया या फिर आपका डैशबोर्ड तक पहुंचा? जी जी, डैशबोर्ड तक पहुंचा था और उसके बाद वेरिफिकेशन जो थी उसमें मेरा रिजेक्ट हुआ, क्योंकि जो मेरा एड्रेस था वो मैच नहीं कर रहा था स्टेटमेंट के मेरे बैंक लेटर के साथ। ठीक है, अच्छा मुझे आप बताएं, मैं बोलूंगा आपने मुझे बताने में ठीक बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा। आपने अकाउंट साइन अप किया, वीडियो कॉल इन्फॉर्मेशन वेरिफिकेशन जो भी थी आपकी क्लियर हुई, क्लियर करने के बाद आपको डैशबोर्ड की एक्सेस मिल गई, डैशबोर्ड पे एक्सेस मिलने के बाद आपका असल कहानी उस टाइम पे शुरू होती है कि आपकी रीवेरिफिकेशन होती है उस टाइम के ऊपर। अब उस रीवेरिफिकेशन के अंदर आप रिजेक्ट हो चुकी है या पेंडिंग के अंदर अकाउंट, अभी किस करंट स्टेटस पे आपका अकाउंट है? करंटली जो है मेरा अकाउंट डीएक्टिवेट है और मैं अपील के प्रोसेस में हूँ, मतलब मैं 3 times उसको गलत सबमिट कर चुकी हुई हूँ, और उसके बाद अब मुझे अमेज़न ने अपील का बोला हुआ है और अब मैं अपील के प्रोसेस में हूँ, मतलब मैंने अपील सबमिट की है और अब मैंने अपना मीज़ान के बजाय अब मैंने नेक्स्ट बैंक का अकाउंट ओपन किया है, और अब मैं जो नेक्स्ट बैंक है उस अकाउंट के साथ उन डॉक्यूमेंट्स के साथ ट्राई करूँगी सेकेंड अपील। तो I was thinking के वैसे तो मैंने सुना है कि हो सकता है पॉसिबिलिटी है, क्योंकि उसमें सिर्फ इस्लामाबाद का वो है एरर, तो मे बी एक्सेप्ट हो जाए, मतलब मैंने ये भी फिर हायर कर लिया क्योंकि अब मैं अब बहुत तंग आ चुकी थी, 3 months का ऑलमोस्ट काफी लंबा प्रोसेस चल रहा था, तो ही वॉज सेइंग कि नहीं आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, ही इज वेरी होपफुल। और लेकिन मैं वैसे सोच रही थी कि इन केस अगर नहीं होता तो क्या मैं अपने ही पासपोर्ट पे अपनी कंपनी को यूएसए के सेलर सेंट्रल के साथ करके और यूएसए में सेलिंग स्टार्ट कर दूं? तो अच्छा, मैं आपको दो चीजें भी बताऊंगा जो मैंने बतानी थी आपको जी। इट इज पॉसिबल कि आप अपनी एलटीडी की बेस पे चले जाते हैं यूएसए के अंदर, बट आपको यूके के अंदर वैट लगेगा, यूएसए के अंदर सेल्स टैक्स लगेगा, आपको सेल्स टैक्स आपके आपके जो टैक्स है वो डबल हो जाएगा। पहले तो अपने टैक्स की तरफ से आप हट जाएंगे, वो आपको कम पड़ेंगे, इनफैक्ट आपको ज्यादा पड़ेंगे जब आप एलटीडी की बेस के ऊपर अपने जाएंगे अपने यूएसए के सेलिंग करने, ठीक है? अच्छा, दूसरी चीज ये है, दूसरी चीज जो मोस्ट प्रोमिनेंट है कि आपका अकाउंट हो गया डीएक्टिवेटेड, अब यही पासपोर्ट यही डॉक्यूमेंटेशन आप दोबारा लेकर जाएंगी और विद योर एलटीडी आपका अकाउंट 100% दोबारा रिजेक्ट हो जाएगा यूएसए के अंदर, तो फिर रिजेक्ट हो जाएगा और आपको साइन अप का ऑप्शन नहीं देगा। अच्छा, अब यहाँ पर मिसकंसेप्शन क्या है लोगों की तरफ से कि आप अपनी कंपनी का डायरेक्टर ऐड करें
न्यू डायरेक्टर ऐड करें कंपनी के अंदर और उसके नाम के उसके क्रेडेंशियल्स यूज करें, क्रेडेंशियल्स उसके यूज करें, लेट्स से उसका पासपोर्ट, उसका आईडी का, उसका बैंक स्टेटमेंट या जो भी उसके पास है अवेलेबल, उसके साथ आप जाएं और आपने जाकर अपनी अकाउंट साइन अप करना है तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा, आपकी कंपनी का नाम वही रहेगा और वो फिर रिजेक्ट कर देगा, आपकी सब डिटेल्स उनके पास से लिखेंगे, रिजेक्ट कर देगा। अच्छा, आपने इसके अंदर मैं जो सोल्यूशन करता होता था और मैंने किया भी है, प्रॉपर आया भी है, ये चीज मैंने अभी तक आप लोगों से बताई नहीं, आप लोगों से शेयर नहीं किए, जब एड्रेस के सबसे ज्यादा लोगों को तंगी होती है अपने एड्रेस के ऊपर, जो वो परचेस करते हैं अपना रजिस्टर्ड एड्रेस, ठीक है, मैंने यूके पोस्ट बॉक्स के एड्रेस परचेस किए हैं, रजिस्टर्ड एड्रेस डॉट यूके जो इनके एड्रेस है वो सब परचेस किए हैं। आप कोई नई कंपनी बनाते हैं ना, लेट्स से कि मेरे अकाउंट्स की सब चीजें रिजेक्ट हो गई, ठीक है, मैं बोला मेरे अकाउंट की सब चीजें रिजेक्ट हो गई, अब मेरा सबसे बड़ा खौफ क्या है कि चलो अकाउंट जो है वाइस का वो मैं इतने पाउंड्स का बनवा लूंगा, एलटीडी जो है वो सस्ती से बन जाती 12 पाउंड्स की वो भी बनवा लूंगा, मेरा उस टाइम पे सबसे बड़ा खौफ क्या होगा कि जो मैंने 150 पाउंड का एड्रेस लिया हुआ है पीएल के लिए, लेट्स से कोई भी एड्रेसेस आपने दी हुई वो मेरा जाया हो गया, मेरा जो 40-50 हज़ार रुपए है वो मेरे जाया हो गए। आप जब उन एड्रेसेस वालों से बात करते हैं, मैंने यूके पोस्ट बॉक्स पे आजमाई भी ये चीज, आप उनसे बात करके बोलते हैं कि मेरी इस कंपनी का नाम था एक्स वाई जी, इसका ऑनर ये था और मैं भी इसका सब ऑनर ही हूँ, लेकिन ऐसा है कि मेरा ये जो एक न्यू पर्सन हम ऐड कर रहे हैं उसके एलटीडी का नाम ही है, तो काइंडली ये वाला एड्रेस हमें शेयर करें, और आप पुराने बंदे के जो पुराना डायरेक्टर था उसकी डॉक्यूमेंटेशन शेयर करेंगे अपनी उससे कि देखे मैं अपनी मेरे ही डॉक्यूमेंट्स हैं लेकिन मैं इस बंदे के ऊपर अपनी अपनी एड्रेस चेंज करवाने लगा हूँ, ये एड्रेस आपने चेंज करवाने और अपने न्यू एलटीडी के ऊपर यूके पोस्ट बॉक्स से किसी भी वेबसाइट के अंदर आपने न्यू पर्सन ऐड करवा के कहना है कि एड्रेस यही यूज होगा लेकिन ये बंदा करेगा और ये न्यू एलटीडी का नाम है YZX जो भी है, ये न्यू एलटीडी का नाम है, आप इस नाम से भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स आएंगे और जो पुराना था उस नाम से भी आएंगे तो ठीक है, लेकिन अब आपके पास डॉक्यूमेंट्स आएंगे वो इससे आएंगे, तो वो आपका एक एड्रेस दो एलटीडीज के ऊपर यूज हो सकता है, तो ये प्रोसीजर करके मैंने अकाउंट्स को दोबारा रेडी किया था और वो एक्टिव हो गए थे, जो आप लोग वीडियोस देख रहे हैं उसी अकाउंट्स के ऊपर थी, उससे पिछले अकाउंट्स के ऊपर थी, सॉरी उसी पर्सन का एक फ्रेंड था उसके अकाउंट्स में मैंने सारी चीजें की थी, तो एलएलसी पे अगर आप जाना चाहते हैं यूएसए के अंदर दैट्स फाइन, उसके साथ आप जाएं, वार्मिंग सीट की आपको नॉलेज सस्ती बन जाती है, लेकिन एलटीडी पे अगर आप जाएंगे तो आपको टैक्स बहुत बुरे पड़ने लगे, बहुत ज्यादा बुरे पड़े, 20% तो वैट इधर से तंग करता रहेगा आपको, उधर से सेल्स टैक्स आपको पड़ेगा। तो आप मुझे ये रिकमेंड करेंगे कि मैं एलएलसी के साथ यूएसए की तरफ मूव करूं लेकिन मैं अपना पासपोर्ट यूज कर सकूंगी? नहीं नहीं, किसी और मेंबर के नाम पे, घर के किसी और बंदे के नाम पे पासपोर्ट बनवाएं और किसी और बंदे के नाम पे आप अपना किसी और की बैंक स्टेटमेंट यूज करें और फिर एलएलसी के साथ आप जाएं, ठीक है, और यूएस में रिजेक्शन नहीं, और जो इतनी नहीं आती, और जो आपकी बात काट रही थी मैं, रेजिडेंशियल एड्रेस जो है, अब जैसे अगर मैं अपने हस्बैंड का यूज करती हूँ तो रेजिडेंशियल एड्रेस तो फिर सेम रहेगा? इसके अंदर एक ट्रिक आपको बता देता हूँ, छोटी सी ट्रिक है कि खैर मैंने काफी ज्यादा ट्रिक स्कीम है वो थोड़ी सी गलत भी हो जाती थी, मैं आपको एक छोटी सी बताता हूँ, आप लोगों को पता है कि जब आप बैंक